अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने एक पार्सल मंगवाया था, 706 इसकी प्राइस है। तो पार्सल के अंदर क्या, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से चीज़ है। ये डिफरेंट प्राइस में आती है, सिलिकॉन के सॉक्स की तरह से है। मतलब सॉक्स भी नहीं आप कह सकते, शूज़ भी नहीं कह सकते। इसके ऊपर से आप सॉक्स पहन लें, इस अपने पाँव को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें। अगर किसी की हील्स ख़राब हैं या पाँव में कोई मसला है, पाँव क्रैक हैं या जो भी कोई इशू है, सर्दियों में वैसे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके या वैसलीन या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के अच्छे से, तो ये सॉक्स पहन लें। फुल पाँव में ये आ जाती हैं, उसके ऊपर से कोई भी सॉक्स पहने आपके पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, कोई भी हील्स क्रैक नहीं होंगी, कोई भी इशू नहीं होगा। बहुत अच्छी है, 100% रिकमेंडेड है। अगर कोई बाई करना चाहते हैं तो ज़रूर बाई करें। अच्छा, उसके बाद जी मैं गई थी बाज़ार, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मुझे हमारी फैमिली में एक फंक्शन आ रहा है, शादी है, उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, ये मेरे पास एक लिपस्टिक है, ये मेरी सिस्टर की है, ठीक है। मुझे ये शेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसके साथ के मैं चाह रही थी कि मैं अपने लिए एक बाय कर लूँ। इसका शेड 355 है, क्रिस्टेन की है ये, सॉरी क्लेजोना की है। तो मैं इस शॉप पे गई थी, मैंने काफ़ी सर्च वगैरह की, उनके पास क्लेजोना की कोई लिपस्टिक्स ही नहीं थी। उन भाई ने काफ़ी ज़्यादा शेड्स दिखाए, लेकिन ये कि शेड मैच तो करते हैं, सेम एज़ इट इज़ मुझे वैसा ही चाहिए था, एज़ इट इज़ मुझे वैसा मिला नहीं, तो फिर मैंने वो ली नहीं। काफ़ी कोशिश की, मैंने कहा चलें कोई ना कोई मैच होता है तो देख लेती हूँ, पर नहीं मिला। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बहुत फेवरेट होती हैं, तो आपका दिल होता है कि वो कभी ख़त्म ना हो या आपके पास से कभी दूर ना हो, इस तरह से है। तो खैर कोई नहीं, कहीं और से देखूँगी मैं अब। अच्छा, उसके बाद इनके पास फ़ेस वॉश की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, मैं देख रही थी काफ़ी नए नए फेस वॉश आए हुए हैं मार्केट में ना। तो मुझे, मैंने मेरी नज़र पड़ी एक फ़ेस वॉश पर, वो मुझे काफ़ी अर्से से चाहिए था। मैं दराज पे सोच रही थी मंगवाने का, बस मैं आजकल मैं ऑर्डर करने वाली थी, मैंने सोचा चले पता नहीं यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो जी मुझे वहाँ पे फ़ेस वॉश भी नज़र आया, मैंने वो भी लिया। आके चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से वाला फ़ेस वॉश लिया। इसके अलावा मैंने लेने थे अपने बालों को कलर करना था, डाई लेना था, तो कलर लेना था। मैं देख रही थी कि उन्हें के भी कलर्स थे काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा दो तीन ब्रांड्स के और भी थे। भाई ने काफ़ी मुझे शेड्स वगैरह दिखाए, यहाँ से शेड खुद मैच करने होते हैं, आपने देखना होता है यहाँ से शेड मैच करें कौन से वाला आपको चाहिए। उसके बाद वहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं, तो ये इजी कलर का था, इजी कलर और क्यों ने दो उन्होंने मुझे दिखाए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से वाला आपने शेड लेना है, तो उस हिसाब से वो पॉइंट्स के हिसाब से ना आपको कलर बता देते हैं। मैंने अपना शेड पिक किया, मुझे चाहिए था डार्क ब्राउन में, तो मेरे ना थोड़े से बाल ख़राब हो रहे हैं, वाइट वगैरह आए हुए हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा कलर करूँ तो इवन हो जाएंगे सारे ना, एक ही शेड में हो जाएंगे तो वो अच्छे लगते हैं। तो वो भी मैंने लिया। फिर उसके बाद दो चार कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, वो शॉपिंग वगैरह की कुछ चीज़ें ली। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बस आजकल तो यही दिल करता है कि बंदा निकले ही ना। अगर चला गया है बंदा, तो बस एक ही शॉप पर सब कुछ जो भी चाहिए वो बंदा ले के तो आराम से घर आ जाए। ये भी बहुत मुश्किल होता है टास्क है, अगर आपको जो चाहिए वो एक ही शॉप से मिल जाए। तो मेरी तो कोशिश होती है एक ही शॉप से ले लूँ, तो सर्दी की वजह से बहुत मसला हो जाता है बाहर निकलना। तो इसके अलावा मुझे हाइलाइटर चाहिए थे, और मुझे चाहिए थे शेड्स, ग्लिटर शेड्स चाहिए थे आई मेकअप करने के लिए। मैं हमेशा मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि अपना मेकअप जो है वो खुद ही कर लूँ, कभी भी पार्लर वगैरह या ऐसे कहीं सैलून कहीं पार्लर वगैरह से मैं नहीं करवाती। तो वो मेरे पास ग्लिटर शेड्स नहीं थे, वो मैं देख रही थी कि कोई अच्छे से मुझे अगर मिल जाए। काफ़ी ट्राई वगैरह किए, आप कोई भी जो है अपनी आईज़ पे मेकअप वगैरह करके उसके ऊपर से ग्लिटर अगर लगा लेते तो काफ़ी अच्छा सा जो है वो लुक क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा ये हाइलाइटर थे, रिवाज का था, दो तीन और भी मैंने देखे, तो ये वाला भी था एक, इसमें ये भी अच्छा पैलेट था, इस तरह का तो मेरे पास एक है भी है। तो मैंने सोचा फिर ये सारा लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, एमी जो आपके वो नई चीज़ चाहिए वो आपने क्या लेनी है। ये फिर मैंने कुछ चीज़ें जो लेनी थी वो ली हैं। उसके बाद जी मुझे नज़र आ गई शकरकंदी, सर्दी शकरकंदी देखो और मैं ना लूँ ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने आपको अपनी हर वीडियो में एक बात ज़रूर बताई है और हमेशा बताती रहूँगी कि अपने पूरे दिन की डाइट में कोई हेल्दी चीज़ ज़रूर खाएँ, ऐसी चीज़ ज़रूर शामिल करें जो आपकी सेहत के लिए, आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छी हो। तो शकरकंदी मुझे नज़र आई, मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ। तो इसमें फ़ाइबर होता है बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके ना। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने पूरे दिन की डाइट में कुछ ना कुछ हेल्दी या अपने हर मील में कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें ज़रूर शामिल किया करें।
तो उसके बाद ये घर आ गई थी। अच्छा, ये मैंने ये वाले ग्लिटर शेड्स लिए हैं, ये काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे। इसमें तकरीबन 5 जो हैं वो कलर्स हैं, ठीक है। ये मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा लगा के देखे, अच्छे हैं। तो आईज़ पे मैं कोई सा भी शेड लगा के तो ये वाला लगा लूँगी तो वो सही रहेगा। ये अच्छा मुझे मिल गया था। तो इसके अलावा मैंने लिया है ये वाला फेस वॉश, ये मुझे बहुत टाइम से मुझे चाहिए था। इसके मैंने इतने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ किया है। तो मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और ये जो है ये नॉर्मल स्किन के लिए है, मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है तो उसके लिए भी ये ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेस्ट है। इसके अलावा मैंने सॉक्स कुछ लिए, और हस्बैंड के लिए सॉक्स लेनी थी वो लिए, और ये इजी कलर का मैंने जो है ये वाला लिया, मैंने कलर डाई लिया, ठीक है जी। बस ये इतनी सी मैंने चीज़ें लेनी थी, और ऐसा कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी, टाइम बहुत कम था। तो उसके बाद जी मैं आपको शकरकंदी दिखाती हूँ, ये देखें जी। अब आप मुझे बताएं किस किस का दिल कर रहा है शकरकंदी खाने को। तो जी आप भी ज़रूर खाया करें ऐसी चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों। ये देखें भाई ने बहुत अच्छी पैकिंग की थी, साथ में उन्होंने ये चटनी वगैरह और लीमू देखें कितनी अच्छी पैकिंग में दिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये मैं फिर अपना इंजॉय करूँगी। बस जी ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आप मुझे बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मौसम कैसा है। सर्दियां तो ख़त्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही, बहुत ही ज़्यादा लोग तंग हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएं, सर्दी भी कम हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अच्छा जी, जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से वो सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।